नमस्कार। आज हम दो तीन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि कोरोना को लेकर जो वैश्विक महामारी चल रही है हमारे पूरे देश में, इससे लगभग कई देश पीड़ित है, उससे जहाँ तक हो डिस्टेंस बना के रखना है, अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर ही निकलना है, अपने आप को भी सेव करना है, अपने आसपास पड़ोस को भी जागृत करना है उसके प्रति। कोरोना से बचाव में एक मास साधन है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका जितना हम पालन करेंगे उतना बेहतर होगा। बार बार हम अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, गर्म पानी का सेवन करेंगे। उसके बाद आते हैं हम क्लास पर। तो 13 मार्च से स्कूल विद्यालय सभी विद्यालय बंद है, सभी शिक्षण संस्थान बंद है। फिर भी हम सभी ने ये कोशिश किया है कि ताकि जो मेरे बच्चे पढ़ाई से अभी दूर हैं हमसे जुड़े, उस जुड़ने के लिए हम सभी ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उसको जोड़ने का काम किया है। उसमें आपको यह सुविधा प्रदान होगी हमारे शिक्षकों के द्वारा, टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट टीचर है, चाहे साइंस के हो, मैथ के हो, उनसे टीचर आपको टॉपिक देंगे, इस पर चर्चा होगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं और जहाँ तक समस्या का होगा वो हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्लास के हिसाब से तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से जोड़ने का काम होंगे करने का एक छोटी पहल की है हमारे स्कूल की ओर से, एक छोटी सी पहल हुआ है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी छात्र अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करें, बच्चे को इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें, और जिससे कि बच्चे लॉकडाउन में भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और उसका सिलेबस चलता रहे। फिर वही आह्वान करेंगे आप सभी अभिभावक से भी और छात्र छात्राओं से भी कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें, व्यायाम करें। धन्यवाद। नमस्कार।